सिफिलेक्सिन एक एंटीबायोटिक है। ये शरीर में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फाइट करती है। गले में, नाक में, कानों में, चेस्ट में यानी कि लंग्स में, पेट में, किडनीज में, यूरिनरी ब्लैडर में, अगर कहीं पे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वैसे ही अगर स्किन पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई हो, तो उस इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए, पूरी तरह से निकालने के लिए सिफिलेक्सिन अच्छी तरह से काम करती है। ये बैक्टीरियाज के प्रोटेक्टिव एंजाइम को, प्रोटेक्टिव कवरिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते। ऐसे ही इसका एंटीबायोटिक एक्शन है। अगर आपको सिफिलेक्सिन की दवा का इंडिकेशन दिया गया हो, प्रिस्क्रिप्शन दिया गया हो और आपको ये दवा परचेज करनी हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और इस दवा को, इसके सबसे अच्छे कॉस्ट इफेक्टिव ब्रांड को परचेज करने की लिंक पाएं। लिंक पे क्लिक करते ही आप इस दवा के सबसे जेन्युइन, सबसे अच्छे और कॉस्ट इफेक्टिव ब्रांड को घर पे बैठे बैठे ही ऑर्डर कर सकते हैं। सिफिलेक्सिन अलग अलग ब्रांड नेम्स में मार्केट में काफी रेडिली अवेलेबल है। सिफाडेक्स, लेसेफ, सीएलएक्स, ऐसे अलग अलग ब्रांड नेम्स में सिफिलेक्सिन मार्केट में रेडिली अवेलेबल है। यूजुअली ये दवा 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम में इंडिकेटेड होती है। आपके डॉक्टर आपके लिए सबसे सूटेबल डोसेज क्या है उसके अनुसार आपको प्रिस्क्रिप्शन करके देंगे। यूजुअली ये दवा दिन में दो बार 5 दिन तक लेनी होती है, लेकिन अगर आपको कुछ और स्पेसिफिक डोज लिख के दिया हो तो अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार इस दवा को कंज्यूम करें। सिफिलेक्सिन इस दवा को खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद सेफली कंज्यूम किया जा सकता है। इस दवा को आप पानी या दूध के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं। हो सके तो इस दवा को एक फिक्स्ड टाइम पे कंज्यूम करें। अगर आप इस दवा को एक फिक्स्ड टाइम पे कंज्यूम करते हैं तो आप इस दवा के डोज को मिस नहीं करेंगे। इस दवा के डोज को रेगुलर इंटरवल्स पे लेने से इसकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है। अगर आपके सिम्टम्स कम हो रहे हैं तो भी इस दवा की कोर्स को अच्छी तरह से रेगुलरली पूरा करना जरूरी होता है। अगर आप इस दवा को अच्छा महसूस होने के बाद डिसकंटिन्यू करते हैं तो हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया शरीर में सर्वाइव कर जाएं और आपके सिम्टम्स दोबारा से रिलैप्स हो जाएं। सिफिलेक्सिन की एंटीबायोटिक को अब उसके कोर्स के अनुसार कंज्यूम करना बहुत जरूरी होता है, ना एक डोज कम ना एक डोज ज्यादा। अगर आप एंटीबायोटिक्स को उनके कोर्स के अनुसार कंज्यूम ना करें तो एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। फ्यूचर में इन एंटीबायोटिक्स का आपके शरीर पे शायद कभी भी इफेक्टिवनेस ना दिखाई दे। सिफिलेक्सिन को अगर आपको प्रिस्क्राइब किया गया हो तो अल्कोहल को पूरी तरह से अवॉइड करें। सिफिलेक्सिन का अल्कोहल के साथ एज सच इंटरेक्शन नहीं देखा गया है, लेकिन इस दवा के बाद कुछ लोगों को एसिडिटी डेवलप हो सकती है। अल्कोहल के कंजम्पशन की वजह से ये एसिडिटी और भी ज़्यादा हो सकती है। वैसे ही कुछ लोगों को सिफिलेक्सिन को कंज्यूम करने के बाद हल्की सी डिजीनेस महसूस होती है, इसीलिए ड्राइविंग करने से पहले इस दवा को कंज्यूम ना करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं और आपको सिफिलेक्सिन की दवा का प्रिस्क्रिप्शन दिया गया हो तो एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर बात करें। यूजुअली प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में सिफिलेक्सिन सेफ माना जाता है, लेकिन अपनी कंडीशन के अनुसार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। अगर आप सिफिलेक्सिन के कोर्स में से कोई भी एक डोज भूल जाते हैं तो जैसे ही ये डोज याद आए वैसे इसे कंज्यूम किया जाए। लेकिन अगर आपके नेक्स्ट डोज के जस्ट पहले आपको मिस्ड डोज के बारे में याद आ रहा हो तो डबल डोज ना करें। अपने कोर्स को अपने रेगुलर शेड्यूल के अनुसार कंटिन्यू करें। अगर आपको सिफिलेक्सिन का प्रिस्क्रिप्शन दिया गया हो और आपको ये दवा परचेज करनी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और इस दवा को परचेज करने की लिंक पाएं। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में, अलग अलग दवाइयों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.